तो कैसे हैं आप लोग? देखो, मैं तुम्हें पहले बता देता हूँ, अगर तुम आमिर सिद्दीकी का टैलेंट वाले वीडियो अगर देखने आए तो मैंने वो डिलीट कर दिया है, क्योंकि ये दोनों भाई इतने ज्यादा पनौती हैं कि इन्होंने टिकटॉक की तो पूरी वाट ही लगा दी है, और अभी इन्होंने उनकी वजह से मेरा कल मेरा फोन भी टूट गया, ये देखो। तो आज से हम हाथ जोड़ के प्रतिज्ञा लेते हैं कि इन दोनों भाइयों का नाम हमारे चैनल पर कभी नहीं लिया जाएगा, क्योंकि हम नहीं चाहते कि हमारी हालत भी कुछ ऐसी हो। अरे ऐसे क्या चल रहा है? सबसे पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दे देता हूँ कि ये वीडियो सिर्फ एक एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाया जा रहा है, तो प्लीज प्लीज अपना मुंह फुला इस वीडियो को देखना, नहीं तो उसकी। तो आज हम फिर से उस जाहिल एप्लीकेशन के बारे में बात करने वाले हैं जिसका नाम है टिकटॉक। टिकटॉक टिकटॉक ये वो जाहिल एप्लीकेशन है जो कि गंदे जुराब सुंघाने से भी नहीं जाएगी। खुले में हगना बंद करो। एक्सपर्ट्स की माने तो उनका कहना है कि ये कोरोना से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, क्योंकि कोरोना में तो इंसान पल भर में निमट जाता है, लेकिन अगर आपको टिकटॉक की बीमारी लग जाती है तो वो फॉलोअर्स और लाइक्स के लिए इतना मर जाता है कि अगर देख रहे हो ना तो प्लीज इसको लाइक और फॉलो करके आगे बढ़ा दीजिए। ये लड़का बहुत ही मेहनत कर रहा है। मगर ये चीनी लोग ये नहीं जानते कि हम भारतीय हैं, हम सिर्फ गंजे को कंघी नहीं बेचते, हम उसे हेयर बैंड और हेयर ऑयल भी बेच सकते हैं। कुछ नहीं है तो क्या हो गया, कहीं नहीं है। तो इस बीमारी का जो हमने सॉल्यूशन निकाला है उसका क्रेडिट पूरा की पूरा जाता है। जी हाँ, इस बंदे के लिए जोरदार ताली हो जाए। अगर आप अब भी नहीं पहचाने कि ये जाहिल आदमी कौन है तो आपको ये डिस्क्रिप्शन में एक लिंक देता हूँ, उस वीडियो को जाके देखो तो आप समझ जाओ कि ये जाहिल आदमी कौन है और उसकी तारीफ मैंने क्यों की है। रुको जरा, सबर करो। तो आइए बात कर लेते हैं इस एप्लीकेशन के बारे में जिसको आजकल भारतीय इतना ज्यादा प्यार दे रहे हैं, और प्यार इस तरह से दे रहे हैं। इस तरह से नहीं, मैं तुम्हें सही सही बताऊँ तो मैं खुद ही वाले एप्लीकेशन यूज करता हूँ और मुझे खुद इतना अच्छा अच्छा कॉन्टेंट इसमें मिलता है। टाटा कर लो, टाटा कर दिया। नहीं नहीं नहीं, ये वाला नहीं, तो गलती से चल गया। अरे रुको तो यार, मैं दिखाता हूँ तुम्हें, रुको रुको। देखो, मैंने जानबूझ के नहीं किया, ये सब इसकी गलती है। चल झूठा। चलो ये सब तो हो गई मजाक की बात, अब तो मैं सीरियसली बताता हूँ कि हमें इस एप्लीकेशन को क्यों यूज नहीं करना चाहिए। Okay. तो सबसे पहली वजह आती है कि इसके अंदर डिसलाइक का ऑप्शन नहीं है, कि इसके अंदर तुम्हारे सामने कितना भी गंदा जाए, अगर इंसान कोई किसी को टॉप से उड़ा देगा तो वो भी तुम्हें मजबूरन देखना ही पड़ेगा। तो और मैं दूसरी वजह बताता हूँ कि इस एप्लीकेशन को गो क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसके अंदर कुछ भी पोस्ट करने की आजादी है। किसका बच्चा? क्या तू किसका बच्चा? मेरे मम्मी पापा का बच्चा है। मम्मी पापा का बच्चा? मेरा बच्चा, मेरा। ओके। ये बिल्कुल सत्य बात है, अगर आप इस एप्लीकेशन को यूज करोगे तो आपको ऐसा गो आपको बहुत ही ज्यादा मात्रा मिलेगा। साले कुत्तों की जिंदगी। और तो मैं इस एप्लीकेशन को ना यूज करने एक बहुत ही बड़ी वजह बताता हूँ कि इसके अंदर फ्रीडम स्पीच के नाम पे धनिया भी नहीं है। तो मतलब ये है कि अगर तुम टिकटॉक के खिलाफ या फिर चाइनीज गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ भी अगर पोस्ट करते हो, कैसे भी एक वीडियो डालते हो, वो तुरंत इस वीडियो को हटा देगा या फिर उसे रीच बिल्कुल जीरो ही देगा। दैट इज सो रॉन्ग यार, दैट इज प्लेन एंड सिंपल रॉन्ग। और आखिरी जानकारी जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि आप सब जानते हो कि टिकटॉक एक चाइनीज एप्लीकेशन है और इसके अंदर नंबर ऑफ मिलियंस ऑफ नंबर का डेटा फीड है इनके पास, और हम बिल्कुल नहीं जानते हैं कि ये डेटा वो किस तरह यूज करता है। और अगर कल टिकटॉक अगर हमारा हम सबका डेटा किसी और पर्सन को बेच भी देता है या फिर और किसी कंपनी को बेच भी सकता है तो हम उसके बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, हमें कान कान खबर नहीं होने की। टिकटॉक तेरी माँ की, तेरी माँ चाइना में। लेकिन एक चीज मैं तुम्हें बता दूं कि इस एप्लीकेशन की वजह से ये बात तो साफ हो चुकी है कि अगर हम ये मान भी लें कि ये एप्लीकेशन बिल्कुल सेफ है और हर किसी यूजर के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, लेकिन फिर भी भारत में इस तरह से एप्लीकेशन यूज हो रहा है कि इस बात से एक चीज तो बिल्कुल साबित हो गई है कि भिखारी के हाथ में सोने का कटोरा दे दोगे तो वो भीख ही मांगेगा। देखो, मैं एक चीज मैं तुम्हें साफ बता दूं कि मुझे टिकटॉक से कोई पर्सनल हेट नहीं है। अगर तुमने भी कभी टिकटॉक यूज करा है तो तुम भी बात जानते हो, क्योंकि मैं भी टिकटॉक यूज करता हूं, कि टिकटॉक एक एजुकेशन प्लेटफॉर्म और अपने टैलेंट को दिखाने के लिए बहुत अच्छा एप्लीकेशन है, लेकिन भारत में हमारे साथ ये हो रहा है। क्या इनके माँ बाप जानते हैं कि ये लोग ये कर रहे हैं? और सिर्फ यही नहीं कि इस एप्लीकेशन के कई ऐसे पॉजिटिव पॉइंट भी हैं जो मैं तुम्हें भी दिखाता हूँ। कुछ अगर तुम फॉरनर क्रिएटर्स को देखोगे कि वो कैसे कंटेंट बनाते हैं। बेस्ट वेबसाइट टू डाउनलोड आइकॉन्स, go to Joojal and type in the noun project. एक चीज मैं तुम्हें क्लियर कर दूं कि ऐसे एजुकेशनल वीडियो सिर्फ फॉरेनर्स नहीं बनाते, कुछ हमारे इंडियंस भी बनाते हैं। जी जी ओ ओ ओ ओ जी जी एले एले ई ई गुलगुलो। नहीं नहीं नहीं, मेरा मतलब इससे नहीं था, मेरा मतलब था यही वाली।
बात सिर्फ एजुकेशन की नहीं है, अगर बात तुम टैलेंट की करोगे तो टैलेंट दिखाने के लिए भी कुछ लोग हैं। तो बात साफ है, टिकटॉक एक बहुत ही अच्छा एप्लीकेशन है, बहुत ही अच्छे तरह से यूज किया जा सकता है, लेकिन तुम्हें डिसाइड करना है कि तुम किसकी तरफ हो, 80% के गू की तरफ हो या 20% के टैलेंट और एजुकेशन की तरफ हो। आपको शर्म नहीं आते से बोलते हुए रोड पे चलते चलते है? बिल्कुल ही पागल हो क्या आप? चल बोजड़ी के। न जाने वो एप डेवलपर क्या सोचता हो कि उसके एप्लीकेशन का इस्तेमाल कैसे कैसे हो रहा है। आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो। स्टॉप इट, गेट सम हेल्प। तो अगर वीडियो पसंद आई तो झट से सब्सक्राइब कर देना और बेल आइकन भी दबा देना, जिससे मेरी वीडियो की खबर तुम्हें झट से मिल जाए। और अगर तुम्हें मेरा वीडियो पसंद आया तो शेयर जरूर कर देना। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।